गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर गुड टुडे। स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 5.2 ऑफ क्लास 7th, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। बेटा, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये आइडेंटिटीज होती हैं और ये आपको लर्न करनी है, ठीक है। एक तो मैंने ये बताई थी a रेज टू द पावर माइनस m। माइनस m क्या है? एक्सपोनेंट है। ए क्या है? बेस है। अगर पावर ऊपर माइनस में है, नीचे आके प्लस में हो जाएगी। एक ये नई आइडेंटिटी मैं आपको आज बता रहा हूँ बेटा, इसको भी लर्न कर लेना, ठीक है। क्या है ये? अगर ए अपॉन बी कोई भी रैशनल नंबर या कोई भी फ्रैक्शन है और उसकी पावर माइनस एम है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? बी अपॉन ए रेज टू द पावर प्लस एम कर सकते हैं। आगे चलते हैं। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है या सेम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेस सेम है, पावर कुछ भी हो, उनको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई के केस में ऐड कर देंगे, डिवाइड के केस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बेस सेम होना चाहिए, ठीक है। और अगर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो उनको दोनों को मल्टीप्लाई करके और होल पावर, जो पावर थी वो सेम करके लिख देंगे। यहाँ पे m था, यहाँ पे m था, यहाँ पर भी m ही है, लेकिन दोनों को ब्रैकेट में करके लिख दिया, एक पावर लिख दी। डिवाइड के केस में भी सेम, जैसे ये डिवाइड है a डिवाइड बाई b, तो हम इसको a अपॉन b करके लिख सकते हैं। पावर यहाँ पे सेम है, ब्रैकेट करके पावर लिख दिया, ठीक है। किसी भी रैशनल नंबर या कोई भी नंबर, उसकी पावर अगर जीरो करते हैं तो आंसर वन आता है, ये आपको मैंने बता दिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर, जो एक्सरसाइज 5.1 का है। बेटा, आप अपनी बुक्स, जो मैथ की बुक है 7th क्लास की, वो ओपन करके बैठ जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, मैं पढ़ रहा हूँ, आप बुक में देखिए। बाई वॉट नंबर शुड 2 रेज टू द पावर माइनस 2 बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट इज 16। भाई, 2 रेज टू द पावर माइनस 6 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए? किससे मल्टीप्लाई किया जाए? लेट x से मल्टीप्लाई किया जाए, तो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? प्रोडक्ट आना चाहिए 16। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 2 रेज टू द पावर माइनस 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, जो प्रोडक्ट है वो 16 आ जाए, ठीक है। मैंने क्या लिखा कि लेट कर लिया मैंने, लेट x से मल्टीप्लाई किया जाए इस नंबर को, तो प्रोडक्ट आ जाएगा 16। ये बात आपको ऊपर लिख देनी है, लेट x बी मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर। ओके बच्चे, यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, काफी इजी है। यहां पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है? फर्स्ट वाली। क्या था ये? भाई, अगर पावर ऊपर माइनस में है, नीचे आके पावर क्या हो जाएगी? प्लस में, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज, एक्स एज इट इज इक्वल टू 16। यहाँ पे मैं ये क्या लिख दूं बेटा, 2 रेज टू द पावर 3 क्या होता है? 8 होता है ना, 2 का क्यूब, ठीक है। मल्टीप्लाई x इक्वल टू 16, ये 8 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 के साथ। 16 8 जा क्या होता है बेटा, बताओ? 16 8 जा क्या होता है? 16 को 8 से मल्टीप्लाई करके फटाफट बताओ मेरे को, 128। टेबल्स आपको लर्न होनी चाहिए, इसका आंसर आ गया ये। सेकंड जो क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर 3 रेज टू द पावर माइनस 1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज 6 रेज टू द पावर माइनस 1। जो सेकंड क्वेश्चन है सेम है बेटा, वो आप कर सकते हो। अगर नहीं आए समझ में तो मैं बता दूंगा। चलो मैं आपको यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 रफली बता भी देता हूं। भाई, 3 रेज टू द पावर माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए? x से मल्टीप्लाई किया जाए, x लेट कर लेंगे, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा वैसा ही आप यहाँ लिख देना, ठीक है। थोड़ा सा मैं फास्टली करवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जितनी वीडियो छोटी रहेगी, कंटेंट ज़्यादा रहेगा, उतना बेटर रहता है बेटा, ठीक है। यहाँ पे पावर हो गई माइनस वन, भाई इसको मैंने x से मल्टीप्लाई किया और ये आ जाना चाहिए, तो पावर ऊपर माइनस में है, नीचे आके पावर प्लस में, मल्टीप्लाई x इक्वल टू, ये ऊपर माइनस में है, नीचे आके पावर प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल टू 3/6, क्या जाएगा आंसर? 1/2, सेकंड का आंसर आ गया। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेम थे, ठीक है। अब मैं बोर्ड को इरेज करता हूं बेटा, और थर्ड क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नीचे काफ़ी स्पेस, थोड़ा ही स्पेस है, तो बेटा बोर्ड को इरेज करना पड़ेगा, ओके। चलो बोर्ड को इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है? बाय व्हाट नंबर शुड माइनस 9 रेज टू द पावर माइनस 1 बी डिवाइडेड सो दैट क्यूसेंट इज 18 रेज टू द पावर माइनस 1, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है
कि -9 रेज टू द पावर -1 को किससे डिवाइड किया जाए कि क्वेश्चन जो है हमारा 8 रेज टू द पावर -1 आ जाए। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, लेट x बी डिवाइडेड बाय दिस नंबर। ठीक है बच्चे, और x डिवाइडेड बाय दिस नंबर मींस इसका मतलब क्या है, -9 रेज टू द पावर -1 अपॉन x लिखना है क्योंकि डिवाइड बोला था। ठीक है, इक्वल टू क्या आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट मींस क्वेश्चन आना चाहिए 18 रेज टू द पावर -1। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो शुरुआत के 3 क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो बेटा क्या करेंगे, अब यहाँ पे पावर ऊपर माइनस में या नीचे आके प्लस में पावर कर दो। ठीक है, तो नीचे पावर प्लस में आएगी तो -9 रेज टू द पावर +1 लिखने की जरूरत है क्या, पावर को प्लस में लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर 1 पावर प्लस में है तो प्लस में लिखने आगे प्लस लिखने का जरूरत नहीं होता और 1 भी लिखने का जरूरत नहीं होता। नीचे x था तो मल्टीप्लाई x लिख दो, ओके। यहाँ पे पावर ऊपर माइनस में है, नीचे आके हो जाएगी पावर प्लस में, ऊपर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती बेटा। अच्छा डायरेक्ट काट के दिखाएं बेटा, एक तो तरीका ये है कि ये 9 इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई होके फिर 9 18 से कट जाएगा, लेकिन हमारे पास अब थोड़ा हम स्मार्ट वर्क करेंगे ना बेटा, क्योंकि अब हम भाई पुराने टाइम में थोड़ी जी रहे हैं, अब मैथमेटिक्स भी अपग्रेड हो रहा है, तो क्या करेंगे 9 को डायरेक्ट काट दो आप 18 से, 9 1 9 9 2 18, 9 का काम खत्म हो चुका, लेकिन यहाँ पे माइनस है, ये माइनस को भी इस साइड भेज दो, यहाँ पे 1/x बच गया, माइनस को मैंने इस साइड भेजा तो क्या हुआ 1/2 बच गया। बेटा मैं दोबारा से बता देता हूँ, ये 9 इस साइड जाता, क्रॉस मल्टीप्लाई होता, 9 18 से कटता, नीचे 2 ही तो आता, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। यहाँ पे ऐसा डायरेक्ट हम काट सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, ये माइनस मैंने इस साइड भेज दिया, अब देखो हमें वैल्यू तो निकालनी थी एक्स की, ये 1/x है तो दोनों को रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, कैसे लिख सकते हैं इन दोनों को, एक्स इक्वल टू -2/1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर आ गया। आई थिंक बेटा आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, कहीं पे भी समझ में नहीं आए तो आप मेरे पास व्हाट्सएप करके क्वेश्चन को दोबारा से समझ सकते हैं, ओके। तो बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 4th लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 4th में क्या बोल रहा है ये, यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई करके आंसर्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स हैं, ए बी सी और डी, तो हम इनको 1 by 1 सोल्व करते हैं बेटा। अब यहाँ पे देखिए, बेस सेम, मल्टीप्लाई, ओके। तो बेटा क्या होगा, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, सभी पावर्स को ऐड कर दो आप, डायरेक्ट आंसर निकालो, -3 रेज टू द पावर 5+2 7, 7+1 8, ये आपका आंसर। बेटा कितना टाइम लगा, कुछ भी समय नहीं लगा और आपको समझ में भी आ गया। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, बेस क्या है, बेस हर जगह सेम है, बेस बेटा हर जगह सेम है, तो क्या करेंगे इन सभी पावर्स को ऐड कर देंगे, 6 रेज टू द पावर 11 प्लस 7 प्लस 3, और आगे क्या करेंगे, जो डिवाइड था वो पावर कर देंगे माइनस में, क्योंकि बेस बेटा सेम है। ठीक है, होगा क्या अब बेटा, 11 प्लस 7 प्लस 3 कितना होता है, 21 माइनस 5 कितना होगा बेटा, 21 माइनस 5 16, तो 6 रेज टू द पावर 16, ये आपका आंसर आ गया। बेटा समझ में आया, चलिए आगे बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, यहाँ पे बेटा चलिए मैंने लिखी नहीं थी, मैं लिख देता हूँ, a रेज टू द पावर m ब्रैकेट बाहर n, कैसे लिख सकते हैं, a m मल्टीप्लाई n, या फिर a n अंदर हो जाता है m बाहर। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, दोनों पावर्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 2 3 6, यहाँ पे डिवाइड का साइन, 3 की पावर 5 है। ठीक है, डिवाइड का साइन, बेस दोनों जगह सेम है, 6 में से 5 माइनस कर दो, 6 में से
5 माइनस कर दो क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगी 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, 3 आप एज इट इज लिख दो, ओके। चलिए अब लास्ट जो क्वेश्चन है इसका, फोर्थ का लास्ट क्वेश्चन वो करते हैं, ठीक है बेटा। इसमें ये चीज़ यूज हो रही है, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 raised to the power 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होगा, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 raised to the power -6 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे भाई, मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो पावर्स को ऐड कर दोगे, ऐड कर दो 5 raised to the power 6 प्लस में माइनस का 6, क्या होगा बेटा, 6 माइनस 6, 5 raised to the power क्या हो जाएगी, 0, क्यों, क्योंकि ये +6 -6 जीरो ही तो बचेगा, तो 0 बच गया। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, तो ये इसका आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 4th कंप्लीट, समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 4th कंप्लीट होगा, ये देखो 5 raised to the power 0 = 1 मैंने लिख दिया है, ओके। चलिए अब मैं बोर्ड को इरेज करके आगे के क्वेश्चंस लिखता हूं, ठीक है, वीडियो को पॉज कर देते हैं बेटा। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है पढ़ते हैं, चलो, स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर, इनमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है और जस्टिफाई करना है अपना आंसर, ओके। चलिए देखते हैं कि ये इसके 4 पार्ट्स हैं बेटा, ABCD, तो 1 by 1 करते हैं बेटा। सबसे पहले ए पार्ट के ऊपर बात करते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ओके। चलिए बेटा 5 की पावर 3 कितना होता है, 5 की पावर 3 होता है 125 मल्टीप्लाई 3। अब देखो 3 को 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 75, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, 15 मल्टीप्लाई 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आएगा, 225 को 15 से फिर से मल्टीप्लाई कर दो। अब एक बात बताओ बेटा मेरे को कि इस नंबर को 15 से मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर तो कभी नहीं आएगा, ये तो आपको पता है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, माइंड से थोड़ा सा आपको आइडिया लगना चाहिए, और लग गया वो आइडिया तो ये नॉट इक्वल, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, टाइम वेस्ट करोगे अपना, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है तो फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है, आई बात समझ में, मल्टीप्लाई आप करके देख लेना, इसके इक्वल नहीं आएगा, ओके। चलिए 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, क्यूब होता है बेटा, हमें पता ही है। 3 की पावर 2 कितना होता है, 9, क्या 8 2 9 से बड़ा है, ये इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पे ओपन गेट होता है वो बड़ा होना चाहिए, और जहाँ पे क्लोज गेट होता है वहाँ पे छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ओपन गेट में छोटा नंबर है, क्लोज गेट में बड़ा नंबर है, तो ये क्या हुआ बेटा, ये भी हो गया फॉल्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, 5 की पावर 3 कितना होता है, 125 मैंने आपको बताया ही था। 6 की पावर 3 कितना होता है, 6 का क्यूब मैंने आपको बताया था, कम से कम 10 तक तो याद होने चाहिए, 216, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या, 30 raised to the power 3, 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, और 0 3 times 0 लिख दो, ये इसका शॉर्ट तरीका है, दोबारा से बताऊं बेटा, 3 का क्यूब 27, 0 है 1 times 0 है पीछे, तो पावर 3 है तो आप 3 times 0 लिख दो, जितनी पावर हो उतने टाइम्स 0 बस। अब देखो बेटा, अब इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है, क्या वो इसके इक्वल आएगी, तो लगाइए थोड़ा सा आइडिया लगाइए, देखते हैं। चलो आप ये खुद करना बेटा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई आप खुद करना, मैं देखता हूँ कि, और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आई या नहीं, ओके, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना। सर क्वेश्चन नंबर 5th का सी पार्ट ट्रू है या फॉल्स है, ओके, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 3 raised to the power 0, 2 raised to the power 0, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, और 5 raised to the power 0 कितना होता है, 1 होता है। किसी भी नंबर की raised to the power 0 क्या होगा, 1 होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना, 1 1 = 1, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ये क्वेश्चन आपको बताना है, मैंने आपको इतना बता दिया है बेटा। और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या इसके इक्वल आई, अगर आई तो वो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है, तो ये आपको बताना था और बाकी मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। चलिए अब आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं,
बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से सबको हमें सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर ए की बात करें, ठीक है, तो इसका ए जो पार्ट है उसमें कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, क्या करें कि थोड़ा सा अच्छे से इसको सिंप्लीफाई किया जा सके, तो क्या कर सकते हो बेटा, इसको आप क्या लिख दो, या तो इन पावर्स को आप ओपन कर दो या इनको पावर्स की फॉर्म में लिख दो। तो मैं इनको पावर्स की फॉर्म में लिखता हूँ, 49 को क्या लिख सकता हूँ बेटा, 7 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल, इसको 7 की पावर 3 यहाँ पे एज इट इज़ है, यहाँ इसको क्या लिखें बेटा, 100 की पावर 2 लिख दें, नीचे क्या है एज इट इज़ 100 की पावर 3, 3 की पावर 3 को भी एज इट इज़ लिख दो, मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, ये भी एज इट इज़, ये तो इससे कट गया, क्लियर। यहाँ पे देखो ये 10^2 है, यहाँ पे 10^3 है, जब ये कटेगा इससे तो यहाँ पे देखो बेस सेम है 10 10। चलो मैं आपको अच्छे से सिंप्लीफाइड करके बताता हूँ, 7^3 यहाँ पे एज इट इज, यहाँ ऊपर पावर छोटी है नीचे पावर बड़ी है, तो ये ऊपर का नंबर नीचे आके पावर हो जाएगी माइनस में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोबारा से बताऊं, ये ऊपर का नंबर नीचे आके पावर हो जाएगी माइनस में, ये इस नंबर को ऊपर लेके जाने की जरूरत नहीं है, नीचे ही प्लस का आप एज इट इज लिख सकते हो। ये कितना हो गया, 7^3 कितना होता है 343, 10^3 - 2 कितना होगा बेटा, 3 - 2 होगा 1, और मल्टीप्लाई 2^3 कितना होता है 27, 27 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 270। समझ में आया, आया या नहीं समझ में, ठीक है, आ गया होगा बेटा आपको, नहीं आया तो आपको क्या करना है आपको पता है, आपको मेरे पास व्हाट्सएप पे क्वेश्चन दोबारा से पूछ लेना है, वैसे मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, फिर भी नहीं आए तो आप दोबारा से पूछ सकते हो, इस क्वेश्चन को आप खुद करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, ठीक है। इसको 11^2 लिख देना, 11^2 से 11^2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये 5^3 है, ये 5^1 है, इसको ऊपर लेके जाना 25 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 3 में से 1 माइनस होगा तो 5^2 बच जाएगा, 5^2 बच गया तो 25 आंसर, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं, और ये स्क्वायर से तो ये स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, बच क्या गया यहाँ पे, ए क्यूब बच गया, यहाँ पे पावर्स बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है, b2+1, बेस नीचे भी सेम था लेकिन पावर अब की बार हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी अब की बार, सब्ट्रैक्ट, क्यों हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये डिवाइड में है, ठीक है, 2+3 5 5-1 4, ये आपका आंसर, ठीक है बच्चे। और इसका जो फोर्थ पार्ट है ना बेटा, वो भी आपको खुद करना है, ठीक है, और वो खुद कर सकते हो बेटा, ऐसी बात नहीं है, अब आप इसको पॉज करके अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में भी टोटल 4 पार्ट्स हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स कंप्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आंसर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है, मैंने ए और सी लिखा है, बी और डी आप खुद कर लेना, और आप कर सकते हो क्योंकि आपको समझ में 100% आ जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है बेटा। कैसे करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे पावर सब इस फॉर्म में हो, a^m और भार n हो, तो आप पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा आंसर, 6/7, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना, क्या आएगा बेटा 12, बस इतना सा काम है, और वो आप कर सकते हो। इसमें भी क्या करोगे भाई, ये बेस तो आपको सेम ही रखना है, ठीक है, पावर्स की मल्टीप्लाई कर दो, 9 7 = 63 आंसर, आई या नहीं बात समझ में बेटा, बता दो कैसे बताओगे, आप कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को, ठीक है, ओके। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई एंड आंसर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म,
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना है, ठीक है। तो काफी इजी है बेटा, आप कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे, यहां पे बेस सेम है और मल्टीप्लाई है, पावर्स को ऐड कर दो। डिवाइड है, बेस सेम है, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। आंसर मींस क्या करोगे, डायरेक्ट करो बेटा आप, पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है, पावर को ऐड करो मल्टीप्लाई की वजह से। बेस सेम है पावर और डिवाइड में है, पावर को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आंसर आ जाएगा अभी देखोगे आप क्या आंसर आएगा। 5 प्लस 4 क्या होता है 9, 9 माइनस 8 1, ये आंसर। हटाओ इसको, समझ में आई। दोबारा बताता हूं, पावर सेम, सॉरी बेस सेम, पावर को ऐड करो, ऐड किया, बेस डिफरेंट, पावर को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट किया, एक ही बार में कर दिया हमने, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, यहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ये वाला कर दो अप्लाई, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 raised to the power 6, 2 3 जा, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर भी सेम ही बात हो रही है, 3 2 जा 3 2 जा, फिर से 6 कट गया, ठीक है, कट, सॉरी काटो मत, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था बेटा, रियली सॉरी, इसको आप काटो मत, ये ऊपर है ये नीचे है, ठीक है। और बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, पावर्स हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, तो बेटा क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 raised to the power 0, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था ना, काट देते तो 1 आ जाता, 1 आंसर अपना सही है, 1 भी आंसर अपना सही है, लेकिन -3 raised to the power 0 ये ज़्यादा सही होगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला था कि आप एक्सपोनेंशियल पावर में लिखो। इसका सी और डी पार्ट काफ़ी इजी है, जो आपको खुद करने हैं, ओके। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा था, मैं आपको दिखा दूं, -3 raised to the power 6 minus 6 3 -3 raised to the power 0 आ गया था, ओके। चलिए आगे बात करते हैं बेटा, मैंने क्वेश्चन नंबर 9 लिख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी टोटल कितने पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स हैं 4, ठीक है, और मैंने 2 पार्ट्स लिखे हैं, ए और डी, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोला है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस ईच एज रैशनल नंबर, सबको सिंप्लीफाई करना है और सबको रैशनल नंबर मीन्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, जो कि आप लिख सकते हो और इनको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। चलिए करते हैं सिंप्लीफाई, कैसे करेंगे सिंप्लीफाई बेटा, सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है इसका, सबसे अच्छा तरीका है इनको सबसे छोटी से छोटा बेस बना लो, इसका सबसे छोटा बेस ये 2 ही है, इसका 3 है, इसका 3 है, ठीक है, लेकिन इसका सबसे छोटा बेस 4 नहीं है, इसका 2 raised to the power 2, 4 को क्या लिखेंगे, 2 raised to the power 2 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक स्टेप आगे बढ़ा के इस क्वेश्चन को करते हैं, और दूसरा काम क्या है, देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था a raised to the power m डिवाइड बाई b raised to the power m, a अपॉन b रेज टू द पावर होल पावर m लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं इसको, a अपॉन b, इसकी पावर अलग से और इसकी पावर अलग से, इन दोनों की पावर अलग अलग ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ये और ये चीज़ दोनों सेम है, और इसको भी हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इनको अलग अलग करके लिखो, 2 raised to the power 4 अलग, 3 raised to the power 4 अलग, क्या इसको अलग अलग पावर करके लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा। चलिए आगे बात करते हैं, 3 raised to the power 2 और इसको 4 raised to the power 2, 4 raised to the power 2, 4 को क्या लिख दूं, चलिए आगे के स्टेप में लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कोई डाउट ना हो आपको, 4 को क्या लिख दें, 2 raised to the power 2 लिख सकते हैं, और ऊपर क्या है, इसके ऊपर 2 है ही, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बढ़ाते हैं बेटा, 2 raised to the power 4 अपॉन 3 raised to the power 4 मल्टीप्लाई 3 raised to the power 2 एंड 2 raised to the power 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया, ठीक है, ये तो इससे गया कट, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ भाई, बेस सेम है, बेस सेम है, पावर हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, पावर नीचे की पावर को ऊपर लेके आओगे या ऊपर की पावर को नीचे लेके जाओगे, भाई ऊपर की पावर को नीचे ले आओ,
फ़ायदा क्या होगा आपको, आंसर प्लस में आ जाएगा। ऊपर की पावर को मैंने नीचे लेके आया तो ये ऊपर की पावर हो गई नीचे आके माइनस की, अगर मैं नीचे की पावर को ऊपर लेके जाता तो वो माइनस की हो जाती। तो अगर 2 में से 4 माइनस करता तो माइनस का 2 आता, 4 में से 2 माइनस करूँगा तो प्लस का 2 आएगा, जो हमारे लिए बेटर रहेगा। 1 अपॉन क्या बच गया, 3 रेज टू दी पावर 2 बच गया, ठीक है। तो 1 यहाँ पे एज इट इज, 3 रेज टू दी पावर 2 क्या होता है, 9 होता है। अगर आपने मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुना होगा तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अदरवाइज दोबारा से रिपीट कर लेना, तब भी समझ में नहीं आए तो आप मेरे पास व्हाट्सअप पे पूछ सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो, ओके। चलिए आगे की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व, चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं भाई। सिमिलरली उसी टाइप से करेंगे, क्या मैं इस 4 को 2 रेज टू दी पावर 2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, 3 2 रेज टू दी पावर 2, यहाँ पे 3 पावर अलग, यहाँ पे 3 पावर अलग, डिवाइड का साइन एज इट इज, माइनस 5, ठीक है। अच्छा, माइनस 5 की पावर 3 अलग, 2 की पावर 3 अलग, और ये मैंने ब्रैकेट कर दिया क्लोज। यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे डिवाइड आप एज इट इज़ लिख दो, 2 रेज टू दी पावर 3, ठीक है बच्चे। अब क्या करो, ये डिवाइड का साइन है, इसको रेसिप्रोकल करके इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, माइनस 3 रेज टू दी पावर 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 रेज टू दी पावर 6, यहाँ मल्टीप्लाई लिखेंगे, 2 रेज टू दी पावर क्या हो गया बेटा, 3, और यहाँ ये क्या आ जाएगा नीचे, माइनस 5 रेज टू दी पावर 3, ठीक है बच्चे। अच्छा अब देखो, इसको तो सोल्व करना ही है, ये डिवाइड है, नीचे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये चीज़ आपने सीखी हुई है ना, डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाता है, 1 अपॉन करके हम उसको लिख सकते हैं रेसिप्रोकल करके, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं भाई, इससे तो ये कट गया सिंपल, ठीक है। अब आगे क्या करना है, इसको सोल्व कर लो, 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, किसी भी माइनस वाले नंबर की पावर ओड नंबर हो तो माइनस आएगा, इवन नंबर हो तो प्लस आएगा, ठीक है, ओके। 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32, 32 2 = 64, मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई है ये इन दोनों की। 5 की पावर 3 कितना होता है, 125, कितना होता है बेटा 125, माइनस की पावर ओड नंबर माइनस आएगा, ये तो हो गया माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अच्छा इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, कभी बीच में प्लस का साइन देख के प्लस ही कर दो, ये तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 27 एज इट इज़, इन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा बेटा, आप खुद करके देख लेना, ये आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करना है इस टर्म को, इसको सिंप्लीफाई करना है, और इसके बाद क्या बोला है, एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट पावर ऑफ 10, और एक्सप्रेस करना है रिजल्ट को 10 की पावर में, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, बेस सेम है तो पावर हो जाएंगी ऐड, पावर को डायरेक्ट ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, पावर को डायरेक्ट ऐड करेंगे तो 11 + 7 = 18, यहाँ पे डिवाइड का साइन, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे भी बेस सेम है, पावर को फिर से ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, पावर्स को ऐड करेंगे तो, पावर्स को ऐड करेंगे तो आ जाएगा फिर से 18, 8 + 10 = 18 ही तो होता है, ठीक है। चलिए फिर से बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन है तो बेटा क्या करेंगे, डिवाइड का साइन है तो पावर को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, 18 में से 18 गया तो कितना आ जाएगा, 18 में से 18 गया तो आ जाएगा 0, किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, 1 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 को, अच्छा क्वेश्चन में बोला था कि 10 की पावर में एक्सप्रेस करना है, क्या मैं इसको 10 की पावर 0 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, 10 की पावर 0 कितना होता है, 1, किसी भी नंबर की पावर 0 कितनी होती है, 1, आंसर 10 की पावर 0, सिंपल सा बात, सिंपल सी बात है बेटा। और ये 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका, क्वेश्चन दिखने में काफ़ी भयानक आपको दिख रहा होगा लेकिन काफ़ी ईजी निकला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट जो 11th क्वेश्चन है वो मैंने लिख दिया है,
और 11th क्वेश्चन में क्या बोला है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इनमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ए में एक्स दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन नंबर डी जो डी है फोर्थ जो क्वेश्चन है 11 का, क्या इसमें एक्स दिया हुआ है? इसमें एक्स नहीं दिया हुआ, मीन्स यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को छोड़ देना आप। ठीक है, नेक्स्ट सी जो क्वेश्चन है, सी में क्या दिया हुआ है? एक्स दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को निकाल देंगे, इस क्वेश्चन को निकाल देंगे। और इसके अलावा बी वो आपको खुद करना है, कौन सा क्वेश्चन नंबर बी जो है इसका, वो आपको खुद करना है जो आप कर सकोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ए की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 27 आ गया। आगे चलो 37x एज इट इज लिख दो, यहाँ पे बेस से बेस कट गया। आई बात समझ में भाई, पावर्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, बेस एज इट इज, ये 3 एज इट इज, 7x एज इट इज, बस इतना सा किया है मैंने अब तक, पावर्स को मल्टीप्लाई किया है। क्लियर? फिर मैंने क्या किया, बेस को बेस से काट दिया, क्योंकि बेस है सेम, बराबर के उस पार बेस क्या है बेटा, सेम। ठीक है, बच क्या गया, यहाँ बच गया 7x और यहाँ बच गया 21। अब 7 को 21 से काट दो, काट सकते हो आप, 7 1 7 7 3 21। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, ये हमारा आंसर। इसको तो करना ही नहीं है, इस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ मैं आपको, बेस सेम है, पावर हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, तो 47x-21। आई बात समझ में बच्चे, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट। आगे चलते हैं, 27 एज इट इज और यहाँ पे 45 भी एज इट इज। ठीक है, तो बेस से बेस कट गया, इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा x-21=45। तो x=45- का है इस साइड आके, बराबर के इस इक्वल के इस साइड आके, प्लस का हो जाएगा 21। तो 45+21 कितना होता है, 45+21 होगा बेटा 66। एक्स की वैल्यू आपकी 66, तो इसका बी पार्ट है वो आपको खुद करना है। ठीक है, लो मैं आपको दोबारा से, ये सी जो पार्ट है ये नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो x-21=45 था। ठीक है, माइनस की वैल्यू इस साइड गई तो प्लस की हो गई, और प्लस की हो गई तो दोनों को ऐड करेंगे तो 66। आई बेटा बात समझ में? चलिए अब मैं बोर्ड को इरेज करके नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है वो लिख देता हूँ। चलिए बेटा, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर लिखा हुआ है सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, केवल हमें सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए सी और डी मैंने लिखा है, इसका बी पार्ट आप खुद कर लेना। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे पावर्स हैं, पावर्स हैं, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बेटा मैंने आपको, जैसे कोई भी नंबर है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, एक्स की पावर एम एन, क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मैंने आपको समझाया था ना, तो यहाँ पे भी वही चीज़ अप्लाई होगी। ठीक है, -1/3, इन सभी पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, सभी को, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 3 पावर्स हैं, यहाँ पे 2 पावर्स थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों को मल्टीप्लाई करो आप। ठीक है, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 को 2 से करोगे 4, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगी पावर, प्लस की 4 आएगी, क्या आएगी, प्लस की 4। अब आगे देखो बेटा, -1 की पावर +4 है, अगर माइनस की पावर इवन नंबर होती है तो आंसर किस में आता है, प्लस में आंसर आता है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, वैसे मैंने लिख दिया कोई बात नहीं, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 करके देख लो, 3 3 9 9 3 27 27 3 81, तो 81 आ गया ना, यहाँ पे 81 लिख दो, ये आपका आंसर। आई बात समझ में, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इनकी ये पावर्स थी, पावर्स को डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई किया, 4 आया, -1 की पावर 4 +1, 3 की पावर 4 81 आंसर। दोनों की पावर मैंने डायरेक्ट कर दी, इसकी पावर अलग, इसकी पावर अलग, दोनों की करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, अलग अलग लिख के भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी दोनों के अलग अलग कर सकते हो, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, क्या करोगे अब इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का देखो, सबसे पहले ब्रैकेट के जो अंदर है ना उसको सोल्व कर लो, पावर माइनस में है, पावर को प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, पावर को प्लस में करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। कौन सा मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, कौन सा फॉर्मूला था, a/b रेज टू द पावर
माइनस एन क्या होता है, बी अपॉन ए रेज टू दी पावर प्लस एन होता है ना। चलिए इसके ऊपर अप्लाई करो, 3/2 रेज टू दी पावर प्लस वन, प्लस वन ओके, प्लस वन लिखने की जरूरत नहीं होती बेटा, तो मत लिखो ना, नहीं होती ना तो मत लिखो ठीक है, क्योंकि पावर वन लिखने की जरूरत नहीं होती, मैंने आपको पहले भी बताया है। यहाँ पे डिवाइड का साइन ठीक है, 5/2 है क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, माइनस का साइन आप ऊपर ही रखो ठीक है, माइनस पावर है, प्लस की लिखने की जरूरत नहीं होती, मैंने एज इट इज छोड़ दिया। अब इसकी टोटल होल पावर कितनी है, होल पावर है माइनस वन। अब सबसे पहले आप इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे डिवाइड का साइन है बेटा, डिवाइड का साइन है तो क्या करेंगे, डिवाइड का साइन है तो डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई का साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5/2 कर देंगे, माइनस को फिर से वहीं पे ठीक है। देखो ये उसी फॉर्म में आ गया, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, हमें स्टेप वाइज सोल्व करना है ओके। और यहाँ पे माइनस वन एज इट इज, चलिए आगे चलते हैं बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो क्या आएगा, माइनस 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो क्या आएगा, 4, और इसकी पावर माइनस वन ठीक है। अब आगे क्या लिखेंगे भाई, इसको फिर से रेसिप्रोकल कर दो क्योंकि पावर माइनस में है, क्या करेंगे 4/15, पावर को क्या लिखेंगे, प्लस वन, प्लस वन लिखने की जरूरत नहीं होती, यहाँ माइनस का साइन था, ये माइनस का साइन यहाँ पे एज इट इज। क्या बच्चों बात समझ में आई बेटा, बताओ समझ में आया या नहीं आया समझ में, यस यस, कैसे बताओगे, कैसे बताओगे कमेंट में बता दो बेटा, व्हाट्सएप पे बता दो ठीक है, फोन करके बता दो, कैसे भी बता सकते हो ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसका डी पार्ट है, कैसे करेंगे, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था वो, a रेज टू दी पावर माइनस एन क्या हो जाता है, a 1/a रेज टू दी पावर प्लस एन हो जाती है, ये बताया था ना, तो इसके ऊपर अप्लाई कर दो, 1/3 रेज टू दी पावर प्लस वन, प्लस वन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे, माइनस वन है नीचे आके प्लस की ठीक है, और यहाँ पे माइनस वन, इसका क्या लो एलसीएम ले लो, एलसीएम 3 और 5 का आ गया 15, इसको इससे मल्टीप्लाई 5, इसको इससे मल्टीप्लाई 3 ठीक है, और यहाँ पे पावर माइनस वन, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, अपॉन में 15 रेज टू द पावर माइनस वन, आई बात समझ में। अब क्या करोगे बेटा, यहाँ पे क्या करोगे, पावर माइनस में है इसको रिवर्स कर दो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला ठीक है, रिवर्स कर दो ठीक है, 15/2 हो गया और पावर माइनस से प्लस में ठीक है बेटा, आई या नहीं बात समझ में, चलो बताओ मेरे को आई या नहीं, यस बेटा ठीक है। तो बेटा मैंने आपका जो एक्सरसाइज 5.2 थी वो कंप्लीट करवा दी है, और अब आप घर पे अच्छे से इस एक्सरसाइज को करना, कहीं पे भी कुछ भी समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना ठीक है ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे।